ओम शांति। 20 जून 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो, अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो। बच्चे अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो, अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो। आज की मुरली का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं उसकी निशानी क्या है? इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं उसकी निशानी क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है। बाबा कहते, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1 पॉइंट, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बन बंधनों से मुक्त होना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बन बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। सेकंड पॉइंट, इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। आज की मुरली का वरदान है, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। विश्लेषण है, गीता ज्ञान का पहला पाठ है आशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। बाबा कहते, गीता ज्ञान का पहला पाठ है आशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय
पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सकें। बाबा कहते, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सकें। आज की मूली का स्लोगन है, परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।